अमरावती हिंसा, बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रवक्ता समेत 13 कार्यकर्ता गिरफ्तार। अमरावती में बंद के दौरान मोर्चे में शामिल भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पुलिस ने कई भाजपा नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे समेत बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया है। अब तक 13 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज और भी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना है। बंद और हिंसा के सिलसिले में अब तक शहर में 15 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के वक्त अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आवाज दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। पिछले 2 दिनों के दौरान हुई हिंसक वारदातों के बाद अब पुलिस द्वारा उत्पातियों की धरपकड़ करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा मोर्चे के दौरान भीड़ को उकसाने और भड़काने के मामले को लेकर कई प्रमुख लोगों को भी डिटेन किया गया है। अमरावती दंगे के बाद बंद बुलाने की वजह से पुलिस ने बीती रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को पहले नजरबंद किया था, बाद में आधिकारिक तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी सहित अचलपुर और परतवाड़ा के गजू कोल्ले, अभय मातने, प्रमोद कोरडे, मसानगंज परिसर से नीलेश साहू और अनूप साहू को हिरासत में लिया गया। बता दें कि कथित त्रिपुरा हिंसा की आग शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक, अमरावती और नांदेड़ जिलों के तक फैल चुकी थी। फिलहाल पुलिस और भी कई लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं SD 24।